हेलो दोस्तों, ऊंचाई फिल्म के 8 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही साथ आज मैं बताऊंगा आपको नई फिल्म दृश्यम 2 के 1 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा। दोस्तों तो सबसे पहले मैं ऊंचाई फिल्म के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों सातवें दिन तक ये फिल्म 17.02 करोड़ रुपया कमा चुकी थी और आज 8वें दिन इसका कमाई लगभग 1.25 करोड़ रुपया रहेगा। तो दोस्तों अगर इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए ऊंचाई का आज 8वें दिन ये हो जाएगी 18.17 करोड़, ओवरसीज इसकी कमाई होगी 5.05 करोड़, इस प्रकार इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा दोस्तों 25.58 करोड़ रुपया। तो दोस्तों अभी सफर बहुत लंबा करना है इसको हिट होने के लिए। दोस्तों ऊंचाई फिल्म को अगर इंडिया में हिट होना है तो करीब 12 से 13 करोड़ की कमाई और करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ऊंचाई फिल्म को संडे को कैसा कलेक्शन मिलता है और सैटरडे को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिलीज हो गई है, दृश्यम 2 भी आ गया है। दोस्तों ऊंचाई फिल्म के बाद अब मैं बात कर लेता हूं दृश्यम 2 की कि दृश्यम 2 की कमाई आज कितनी होने वाली है। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग से ही लग रहा था कि इसका ओपनिंग बम्पर होगा और 2 डिजिट से ज्यादा होगा। दोस्तों ये फिल्म अपने फर्स्ट डे कितनी कमाई करेगी मैं इसकी बात कर लेता हूं। दोस्तों दृश्यम 2 फिल्म के प्रति लोगों की उत्सुकता बनी हुई है, इसकी ऑक्युपेंसी भी अच्छी थी और इस तरह से इसका अनुमानित कलेक्शन भी आ गया है कि इसका अनुमानित कलेक्शन कितना रहेगा। दोस्तों इसकी टिकट की बिक्री भी अच्छी हुई थी, इसका एडवांस बुकिंग अच्छा चल रहा था गुरुवार से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दृश्यम 2 जिसमें अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना और इस्ता ये सब मुख्य भूमिका में है। तो दोस्तों इस फिल्म का आज का अनुमानित कलेक्शन कितना रहेगा? दोस्तों इसका कलेक्शन रहेगा मोर देन 14 करोड़ यानी 14 करोड़ से ऊपर ये फिल्म कमा रही है ऑल इंडिया में। तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद है आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।